नवाजुद्दीन सिद्दीकी का शुमार बॉलीवुड के उन उम्दा अदाकारों में किया जाता है जो सिर्फ अपने आर्ट और काम की वजह से जाने जाते हैं। रिसेंटली अपनी पर्सनल लाइफ के अप्स एंड डाउन्स उन्होंने बताया ट्विटर पे। रीसेंट लॉस ऑफ माई यंगर सिस्टर, माई मदर हु 71 ईयर्स ओल्ड, कॉल एंजाइटी अटैक ट्वाइस, वी हैव फॉलोड ऑल द गाइडलाइंस गिवन बाय द गवर्नमेंट, स्टे होम, स्टे सेफ। अपनी बहन को खोने के बाद अपने सब रिश्तों को लेके वो बहुत केयरफुल हो गए क्योंकि उनकी अम्मी की तबीयत भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन एक्टर शिकार हुए हैं एक और मुसीबत का। उनकी 10 साल शादी अब आ गई अख्ताम को। उनकी बीवी ने उनको कोर्ट के थ्रू एक लीगल नोटिस भेजा है और बताया है कि पिछले 10 साल से उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में मसले चल रहे थे। ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी की दूसरी शादी थी और इसमें से उनके 2 बच्चे हैं जिसमें से 1 बेटा और 1 बेटी है। उनकी बीवी के लॉयर का कहना है कि उन्होंने अभी तक इस नोटिस का जवाब नहीं दिया और जैसे ही वो जवाब देंगे इस प्रोसेस को आगे लेके जाएंगे। उनकी बीवी का ये भी कहना था कि इस क्वारंटाइन की सिचुएशन में उनको घर बैठ के सोचने का मौका मिला और इसीलिए उन्होंने ये स्टेप उठाया। ऑन स्क्रीन इंटेंस कैरेक्टर्स निभाते निभाते उनकी ऑफ स्क्रीन लाइफ भी काफ़ी इंटेंस हो गई है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सब मसले उनकी ज़िंदगी से हल हो जाएँ और वो हमें उसी तरह इंटरटेन करते रहें।